इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है, और जो ये न्यूज अपडेट है वो भी आज से कुछ महीनों पहले, जो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में वहां पर हत्या हुई थी उसी से संबंधित है। दरअसल इस केस से संबंधित कुछ नई अपडेट निकल कर आ रही है, कुछ नई चीजें रिवील हुई है जिनसे पता चलता है कि अमेरिका की अथॉरिटीज और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो अमेरिका का इंटेलिजेंस विंग है वो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो हमारे रॉ एजेंट है उससे इतना ज्यादा डर गया था कि उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि उनके देश में जितने भी टॉप के खालिस्तानी आतंकी रह रहे हैं, यानी जिन भी खालिस्तानी लीडर्स ने उनके देश में पनाह ली है, उनको शील्ड करने का काम वो खुद ही करेंगे, ताकि आज की डेट में जो इन देशों में भारत के खिलाफ एंटी इंडिया खालिस्तानी कैंपेन चल रहा है ये इसी तरह से फ्यूचर में भी वहां पर चलता रहे। लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले, अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक WhatsApp चैनल की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस WhatsApp चैनल के ऊपर हम ना सिर्फ अपनी YouTube की सभी वीडियोस की पोस्ट वहां पर आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ भारत की विदेश नीति से संबंधित कई सारी छोटी छोटी अपडेट्स वहां पर हम पोस्ट करते रहते हैं, क्योंकि हर एक छोटी छोटी अपडेट के ऊपर वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसको इसी WhatsApp चैनल के ऊपर वहां पर कवर करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर लें। अब ये चीज तो हमको पता है कि ना सिर्फ कनाडा बल्कि पिछले कुछ महीनों में UK यानी कि ब्रिटेन, पाकिस्तान और दुनिया के कई सारे देशों के अंदर कई सारे खालिस्तानी लीडर्स और आतंकवादियों की संदिग्ध हालातों में सस्पिशियस कंडीशंस में मौत हुई है, और अभी तक इन सभी देशों की एजेंसीज इन सब हत्याओं के पीछे जांच कर रही हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और अभी तक इनके किलर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर का केस सामने आया था, इस तरह का केस और भी कई सारे देशों में सामने देखने को मिला है, जहां पर कई सारे खालिस्तानी लीडर्स की हत्या हुई है, वो भी सस्पिशियस कंडीशंस में। अब इस चीज को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि एक के बाद इस तरह की हत्याएं होने के बाद जब कनाडा के अंदर वहां पर हरदीप सिंह निज्जर की सस्पिशियस कंडीशंस के अंदर हत्या होती है, उसके बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज के कान खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका का जो इंटेलिजेंस विंग है वो डिसाइड करता है कि जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट यानी कि खालिस्तानी आतंकवादी उनके देश में रह रहे हैं उनको शील्ड किया जाएगा, ताकि उनको भी आगे चलकर न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सके, यानी कि उनकी कहीं हत्या नहीं हो जाए, इसलिए अमेरिका की एजेंसीज ने उन सब के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये पूरी खबर क्या है हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। खबर निकल कर आ रही है कि जून 18 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका के अंदर वहां पर कई सारे FBI एजेंट्स एक एक करके वहां पर कई सारे खालिस्तानी सिख लीडर्स के पास गए और उन सबको अलर्ट किया और कहा कि उनकी जान के ऊपर भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो बिल्कुल अलर्ट रहें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के अंदर कुछ खालिस्तानी लीडर्स के पास FBI के एजेंट्स खुद ही गए, जबकि कुछ खालिस्तानी लीडर्स के पास FBI एजेंट्स की तरफ से कुछ कॉल्स आई हैं, जिसमें उन्होंने उनकी हत्या की आशंका जताते हुए उनको अलर्ट रहने के लिए कहा है और उनको अपनी सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कहा है और कुछ डायरेक्शंस भी दी हैं। अब ये चीज रिवील की है अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के कोऑर्डिनेटर प्रीतपाल सिंह ने, जो कि US के सिटीजन है। उन्होंने द इंटरसेप्ट को बताया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उनको और उनके दो सिख साथियों को FBI की तरफ से कॉल्स आई थी और FBI के कुछ एजेंट उनके पास आए और उन्होंने बताया कि उनकी जान के ऊपर भी हरदीप सिंह निज्जर की तरह बहुत ही बड़ा खतरा है, इसलिए वो आगे अलर्ट रहे और कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लें ताकि उनकी भी संदिग्ध हालातों में मौत ना हो। इसके साथ ही प्रीतपाल सिंह ने यह भी बताया कि FBI ने उनको ये तो बताया कि उनके ऊपर थ्रेट है, यानी कि उनकी जान के ऊपर खतरा है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है ठीक उसी तरह से उनके साथ भी हो सकता है, लेकिन FBI ने उनको ये नहीं बताया कि उनके ऊपर कौन से देश से खतरा है, यानी उनके ऊपर थ्रेट क्या है और क्या इसके अंदर भारत इन्वॉल्व है या फिर नहीं, ये FBI ने उनको नहीं बताया। अब अगर आज की कंडीशन को देखा जाए तो ना सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK यानी कि ब्रिटेन, बल्कि अमेरिका के अंदर भी वहां पर कई सारे खालिस्तानी लीडर्स और खालिस्तानी आतंकी काफी ज्यादा एक्टिव हैं और ओपनली वहां पर एंटी इंडिया नारे लगाते हैं, भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर अटैक करते हैं और भारत को बुरा भला बोलते हैं। इनमें से कई सारे ऐसे खालिस्तानी आतंकवादी हैं जिनके ऊपर भारत में कई सारे केसेस हैं और भारत के अंदर ये कॉन्विक्टेड हैं और वांटेड हैं। भारत की सरकार ने इन सबको लेकर अमेरिका को इनकी डिपोर्टेशन रिक्वेस्ट काफी सालों पहले कर दी थी, लेकिन अमेरिका की सरकार ने आज तक इनको भारत को डिपोर्ट नहीं किया है और ये अमेरिका के अंदर वहां पर शरेआम वहां पर घूम रहे हैं, पब्लिकली एंटी इंडिया कैंपेन को अभी भी वहां पर चला रहे हैं। अब जो ये अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के प्रीतपाल सिंह ने स्टेटमेंट दी है, इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका की सरकार, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो अमेरिका के अंदर वहां पर इंटेलिजेंस विंग है, खासकर FBI, ये सारे मिलकर अमेरिका के अंदर जितने भी खालिस्तानी आतंकी आज की डेट में एक्टिव है
उनको बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भारत को लेकर जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, ये उसी का हिस्सा है। क्योंकि अगर भारत को लेकर अमेरिका की स्टेट पॉलिसी के अंदर खालिस्तान वाला इशू और खालिस्तान का अगर कोई रोल नहीं होता, तो FBI एजेंट्स इन सारे खालिस्तानी लीडर्स के घर जाकर इनको केयरफुल रहने और इनको अलर्ट करने कभी नहीं जाते। अब जो ये प्रीतपाल सिंह है, यानी कि अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के कोऑर्डिनेटर, इन्होंने ये चीज तो क्लेम नहीं की है कि FBI के स्पेशल एजेंट्स जो इनके घर में आकर इनको केयरफुल रहने के लिए कहकर गए थे, उन्होंने इनको ये बताया कि इनके ऊपर भारत के एजेंट्स का खतरा है। लेकिन प्रीतपाल सिंह ने खुद ही ये क्लेम किया कि अगर भारत कैनेडियंस को कनाडा के अंदर टारगेट कर सकता है, तो अमेरिका में रह रहे सिख लीडर्स को अमेरिका के अंदर आकर भी टारगेट कर सकता है। और ये चीज अमेरिका की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, अमेरिका के अंदर जो उनके इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स हैं, और जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी है, उसको अंडरमाइन करता है। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, उन सभी को, यानी जितने भी सिख लीडर्स और खालिस्तानी लीडर्स अमेरिका में वहां पर रह रहे हैं, उनको इमीडिएट सपोर्ट देनी चाहिए। इसके साथ ही प्रीतपाल सिंह ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो कि बाद में उनको भी थॉट्स और प्रेयर्स की जरूरत पड़े, यानी कि ऐसा नहीं हो कि बाद में उनकी भी हत्या हो जाए और बाद में कहा जाए कि हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। अब इस पूरी अपडेट से यहाँ पर दो पॉइंट्स एकदम क्लियर होते हैं कि अमेरिका आज की डेट में वहाँ पर रह रहे सभी बड़े बड़े खालिस्तानी लीडर्स और एंटी इंडिया खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देना चाहता है, उनको लंबे समय तक सेफगार्ड करना चाहता है, ताकि जो एंटी इंडिया कैंपेन इन सभी वेस्टर्न देशों में चल रहा है, वो इसी तरह से आगे भी चलता रहे और भारत को टारगेट करने के लिए खालिस्तान के रूप में एक कड़ी अमेरिका के पास भी रहे। इसके साथ ही दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सामने निकल कर आती है कि अमेरिका के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक बार के लिए हम चाइना, इवन पाकिस्तान के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के ऊपर कभी नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा है कि इस रशिया यूक्रेन विवाद के अंदर मोदी सरकार ने रशिया को अपनी तरफ से फुल सपोर्ट किया हुआ है।